दोस्तों क्या होता है जब दो शुभ ग्रह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। 26 मार्च यानी कि आज सुबह 3:05 पर सबसे समझदार और फास्ट मूविंग प्लैनेट बुध ने राशि परिवर्तन किया है और बुध देव अब गुरु के संपर्क में आ चुके हैं। जी हाँ, मेष राशि में आ चुके हैं 26 मार्च से लेकर के और 9 अप्रैल यानी कि आप सीधा सीधा 15 दिन जोड़ सकते हैं। 15 दिनों के लिए बुध ग्रह मेष राशि में रहेंगे, मंगल की राशि में रहेंगे, पर वहां पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो आखिर क्या होता है जब ये ग्रह मिलते हैं, ये दो ग्रह मिलते हैं? तो सबसे पहले तो मैं एक इनका जनरल फल आपको बता देता हूं कि क्या बदलाव होते हैं जीवन में, और उसके बाद फिर मैं आपको एक डिटेल फल बताऊंगा। और आज विशेष रूप से 7 राशियां ऐसी होंगी जो इस गुरु की और इस बुध की युति में यानी कि बुध के राशि परिवर्तन से विशेष सफलता प्राप्त करते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। अब आप खुद सोचिए और आपके पास जवाब निकल के आ जाएगा। दो समझदार ग्रह अगर एक जगह पर बैठ जाए ना, तो वो और ज्यादा समझदारी उस घर को दे देते हैं, उस स्थान पर शुभता वाला प्रभाव छोड़ देते हैं। बुध तो है ही, देवगुरु बृहस्पति पहले से बैठे हैं। 9 अप्रैल तक का योग है, ज्यादा लंबा नहीं है। अब इस योग में होता क्या है, जो जर्नल फल है पहले वो सुन लीजिए। जैसे व्यक्ति काफी विद्वान होगा यानी कि आप बहुत विद्वान हो जाएंगे, आप की जो वाक शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको संगीत के अंदर विशेष रूप से रुचि बढ़ने लगेगी, आपको नृत्य का, शिल्प का, कला का, अभिनय का, इस प्रकार की जितनी भी कलाएं होती हैं इनमें ये कलाएं आपकी निखर के आएंगी यानी कि बाहर निकल के आएंगी। जैसे सिनेमा का, टेलीविज़न का, अगर आपको ऐसा लग रहा आप आर्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से ना मैं अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा, तो ऐसा होगा आपके साथ में कि आपकी कला बहुत मजबूत हो जाएगी। आप एक नहीं अनेक प्रकार के माध्यम से, विभिन्न कलाओं के माध्यम से धन अर्जित करेंगे, ऐसा होगा। और अगर जैसे ये योग केंद्र में, केंद्र का मतलब होता है 4th स्थान, 7th स्थान और 10th स्थान, इसमें बनता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है यानी कि जिन अभी देखो कि मेरे को आपसे डिस्कस भी करनी है 7 राशियां, उन 7 राशियों में मैं आपको समझाऊंगा किन राशियों में केंद्र में बनेगा। अगर उन राशियों के लिए विशेष रूप से प्रतिभा बढ़ेगी, उनका प्रभाव बढ़ेगा, उनका व्यक्तित्व बढ़ेगा, उनको उच्च प्रतिष्ठित लोगों से, उनसे संपर्क बनेंगे, आपको भूमि का, वाहन का, मकान का, जमीन जायदाद का, धान्य का, प्रतिष्ठा का, इस प्रकार के जो सुख है ना वो आपके सराउंड में आ जाएंगे, आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा राशि के अनुसार, जी हाँ राशि अनुसार किन किन को एडवांटेज प्राप्त होगा। उससे पहले मैं आपसे एक विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। हमारे नया फेसबुक पेज है एक, एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत के नाम से, जी हाँ मेरे ही नाम से है, आप उसको भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को, समझने को, सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आइए अब विषय को आगे बढ़ाता हूँ, और सबसे पहले मैं जिस राशि के विषय में बात करना चाहूँगा वो बहुत महत्वपूर्ण राशि है, और उस राशि के जो स्वामी ग्रह है ना वो खुद बुध ग्रह हैं और नाम है मिथुन। तो मिथुन वालों, अब आपके जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में आपकी राशि का लॉर्ड बुध प्रॉफिट के घर पर रहेगा। जी हाँ, ध्यान से सुनना, लाभ के घर पर, और साथ में आपके सुख साधनों को, प्रॉपर्टी को, वाहन को, जमीन को, जायदाद को, माँ के सुख को, भूमि चौपाए के सुख को, इन तमाम चीजों को लेकर के वो प्रॉफिट के घर में रहेगा और वहां उसकी युति गुरु के साथ रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बड़ा जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपके कार्य अब सिद्ध होंगे इन 15 दिनों में, बस विशेष इन दो भावों से संबंधित, जैसे एक आपका मान सम्मान वाला भाव व्यक्तित्व का और एक सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन वाला स्थान, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा और वो पॉइंट मेरा रहेगा राशि के अनुसार सिंह। अब जितने भी जातक इस समय मुझे सिंह के सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना आप, फिर बाद में कहीं आप कहोगे गुरुदेव हमसे मिस हो गया। सिंह राशि को मैंने क्यों काउंट किया है,
कि आपके लिए ये युति बनेगी 9th हाउस में। बेसिकली बुध का परिवर्तन 9th हाउस पर होगा, और होगा क्या, आज सुबह से हो चुका है 3:05 पर। जी हाँ, अब बुध के पास है आपका धन। बुध ने कहा मैं तो बाय बर्थ पैसा लेके बैठा हूं, और साथ में बुध के पास है आपका प्रॉफिट। बुध ने कहा मेरे पास लाभ भी है, मेरे पास बड़े भाई बहन का सुख भी है, मेरे पास नीति भी है, मेरे पास वाक शक्ति भी है, मेरे पास चेहरे की खूबसूरती भी है, मेरे पास वाणी शक्ति भी है, मेरे पास पारिवारिक सुख है। मतलब ये सारी चीजें बुध के पास, और वो आपकी डेस्टिनी पे बैठ चुके हैं, और वहां पहले से देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए धन के लिए लाभ के लिए ये 15 डेज विशेष रूप से अच्छे रहने वाले हैं, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तपस्या तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ बोल सकता हूँ, पर मेहनत आपकी चलेगी। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में बात करूँगा, और वो रहेगी दोस्तों कन्या। कन्या राशि के स्वामी जो बनते हैं बुध ग्रह, वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे देव गुरु बृहस्पति के साथ। अब ऐसी स्थिति में कैरियर को तो थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, बट ये आपकी रिसर्च को पूरा करा देंगे। अगर आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं, मास्टरी कर रहे हैं, या वैज्ञानिक हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। ये गुरु की और बुध की युति अष्टम भाव में आपको ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देगी। बुध ग्रह यहाँ आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाएंगे, पर स्वास्थ्य आपका खराब करेंगे, थोड़ा मान सम्मान में कमी निश्चित तौर पर होगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो राशि रहेगी उसका नाम है तुला। अब तुला वालों, आपको क्यों इस काउंट किया है मैंने, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके ये केंद्र में बन जाएगी। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि अगर केंद्र में ये युति बन जाए तो बहुत अच्छा होता है, तो आपके 7th हाउस में बनी, यानी कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति के मार्ग आपके बढ़ेंगे, ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। और इसके अलावा आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के बुध 7th हाउस में आएंगे, और फिर सप्तम दृष्टि से खुद आपकी तुला राशि को दृष्टि से देखेंगे। इसका मतलब आपको जीवन साथी से सपोर्ट मिलना, जीवन साथी के माध्यम से आपका काम बनना, इस प्रकार के शुभ ग्रह योग आपकी राशि के अंदर बनेंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। तो यानी कि आपके लिए भी ग्रह स्थिति अनुकूल है, लाभदायक है, आप बस मन लगा के मेहनत करिए, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के विषय में बात करना चाहूँगा वो है धनु। आपके लिए आप डाल दो इम्पॉर्टेंट नोट। जी हाँ, अब वो इसलिए डाल दो क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन और साथ में आपके कैरियर, ये दो चीज़ों की लॉर्डशिप बुध के पास है, और 15 दिनों के लिए 9 अप्रैल तक के लिए ये आ चुके हैं आपके 5th हाउस में, और वहाँ पर पहले से गुरुदेव बैठे हैं जो कि आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं। तो ये त्रिकोण में युति बन गई, जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है, आपकी उन्नति भी, आपकी संतान की उन्नति, आपके खुद की वाणी की शक्ति मजबूत होगी, आपको अकस्मात धन लाभ होगा क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और बुध अकस्मात देते हैं, तो शेयर बाजार से विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और आगे आने वाले दिनों में शेयर बाजार में उछाल भी अभी 12-15 दिनों तक देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। गुरु बुध यहाँ आपको बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पर आपसे जिस राशि के विषय में बात करना चाहता हूँ वो रहेगी कुंभ। कुंभ वालों को विशेष रूप से सफलता मिलेगी गायन से, अभिनय से, प्रकाशन से, हस्तकला से, शिल्पकला से, राइटिंग से। अगर आप आर्ट रिलेटेड किसी, अगर आप गाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पर्टिकुलर सेक्टर जो हैं आपके अच्छे होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और एजुकेशन रिलेटेड भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर जो बात करूँगा राशि की, वो है मीन। मीन राशि वालों, आपको मैंने इसलिए काउंट किया है क्योंकि आपके लिए ना बुध ग्रह एक तो आपकी मैरिज लाइफ और दूसरा आपके सुख साधन को और आपके मन को लेकर के आपके 2nd हाउस में पारिवारिक जीवन के घर में आए हैं, यानी कि पारिवारिक जीवन को अच्छा करेंगे, यानी कि आपको धन की आवक देंगे, आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा करेंगे, वाद विवाद से आपको बाहर निकालेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत शुभ बन रही है, यानी कि आज सुबह जो ये बुध का राशि परिवर्तन कराए हुआ है आपके लिए निर्णायक साबित होगा। अभी एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, उसमें प्रॉपर सभी 12 राशियों के बारे में बताऊँगा आपको और बहुत डिटेल में बताऊँगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।